हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। और इस समय अभी आप लोग व्यस्त होंगे दोस्तों। अभी दोपहर के 1:30 बज रहा है और अभी मैं फेरी पर निकल चुका हूं। और कुछ मन में मेरा विचार आया है मेरे फेरी के एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो मुझे लगा है कि आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहिए, ताकि आप लोगों को भी मालूम हो सके और कुछ जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। और इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना, सेल भी बढ़ जाएगा और इनकम भी अच्छा होगा, कमाई भी अच्छा होगा, सेल भी अच्छा होगा, और कमाई माने कि फेरी करने में मन भी लगेगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह ध्यान रखें, अगर काम करें कोई भी फेरी कर रहे हैं, तो आपका ध्यान एक ही काम पर है या दो काम पर? बहुत सारे आदमी, जैसे हम हो गया या कोई भी हो गया, एक टाइम पे दो दो काम पे, तीन तीन काम पे ध्यान रखता है और दो दो तीन तीन काम करता है। तो सबसे पहले तो क्लियर कीजिए कि आप एक ही काम कर रहे हैं, आप पूरी तरह से एक ही काम पे फोकस है, यानी कि पूरा ध्यान जो है ना आपको एक ही काम पे है, जो भी काम कर रहे हैं। यानी कि फेरी ही कर रहे हैं तो क्या चीज़ का फेरी कर रहे हैं? एक ऐसा भी होता है कि फेरी कर रहे हैं और ध्यान कुछ और दूसरे काम पर आता है। तो सबसे पहले एक तरफ हो जाइए। कहते हैं ना, दो डेंगी पर सवार आदमी डूबता ही है, यानी कि पार नहीं कर पाता है। तो इसलिए दो नाव पर सवार होने के बजाय एक नाव पर सवार होइए और नदी को पार कर जाइए। तो सबसे पहले आप क्लियर कीजिए कि यही काम करना है और उसी पर पूरी तरह से 100% दीजिए। देखिए, उसमें सक्सेस 100% मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी बात ये देखिए कि दोस्तों, कि आप लगातार काम कर रहे हैं कि नहीं, लगातार काम कर रहे हैं कि छोटे छोटे काम कर रहे हैं, ये देखिए। क्योंकि दोस्तों, होता है ना, काम कर रहे हैं, 4 दिन 5 दिन किए, 10 दिन किए, कोई काम आ गया या किसी चीज़ का बाधा आ गया या बीमार पड़ गए, किसी भी वजह से अकाज हो जाता है। इस वजह से 4 दिन 5 दिन गए, 10 दिन गए, 2-4 दिन नहीं गए, इस वजह से अकाज होता है। तो जब अकाज हो जाता है, छोड़ छोड़ के जब करते हैं काम, तो निगेटिविटी मन में आने लगता है, निगेटिव नकारात्मक बातें बहुत तरह के आने लगता है और कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है। लगातार अगर काम कर रहे हैं तो आपका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा रहेगा, जिसके वजह से जो है ना कस्टमर से अच्छे से बात कर पाएंगे। डेली काम पर जाएंगे तो हर एक तरह का कस्टमर मिलेगा और हर एक तरह के जो है ना कस्टमर से बात करेंगे, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। तो सेल कम नहीं होगा, कस्टमर से अच्छे से बात कर पाएंगे, सेल भी अच्छे से कर पाएंगे, इनकम भी अच्छा होगा। लेकिन वहीं पे अगर रुक रुक के छोड़ छोड़ के काम करेंगे, ऐसे तो बीमारी उमारी आ जाता है, तो उसमें अकाज हो ही जाता है। लेकिन कोशिश करिए कि अकाज नहीं हो, लगातार काम करें। इसकी वजह से जो है ना, लगातार अगर काम कीजिएगा तो पूरी तरह से इनकम ज़्यादा होगा, सबसे मेन बात की कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा, जिसके वजह से आपको काम करने में भी मन लगेगा। और एक तीसरी बात यह है कि आप रूटीन बना लीजिए कि घर पर जब चलते हैं ना फेरी पर या काम पर, किसी भी काम पर चल रहे हैं, तो आपको घर पे ही क्लियर कर लीजिए कि हमको आज ये काम करना है और इसी काम को 100% देना है। अगर फेरी कर रहे हैं तो एरिया पहले ही बना लीजिए कि हमको इस एरिया में पहले आज पूरे दिन में किधर किधर घूमना है, ये क्लियर कर लीजिए, ताकि आप जब घर से निकलेंगे तो पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। तो आप उस तरफ से, बिक्री हो या ना हो, उस तरफ से गुजरेंगे और मन से काम करेंगे तो निश्चित है कि बिक्री होगा ही होगा, ना होने का सवाल है ही नहीं। क्योंकि मैं 3 सालों से काम कर रहा हूँ, तो जब घर से अच्छे से रूटीन बना के एरिया घर पर ही बना लेते हैं कि इस एरिया में हमको घूमना है, बिक्री हो या ना हो, तो उतना घूमते हैं तो सेलिंग अच्छा खासा हो जाता है, इनकम भी अच्छा हो जाता है। और दोस्तों, चौथी बात, पहली बात तो हो गया कि दोस्तों, कि बिना कन्फ्यूजन पाले हुए, यानी कि बहुत सारे आदमी 3-4 काम करते हैं, तो एक काम पर पूरी फोकस के साथ कीजिए, 100% दीजिए, अच्छा काम होगा। दूसरी बात कि आप लगातार काम कीजिए, क्योंकि दोस्तों, अगर जब भी आप छोटे छोटे काम करेंगे तो आप निगेटिव होंगे, नकारात्मक बातें आएगी, जिसकी वजह से जो है ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा, तो आप अच्छे से सेल नहीं कर पाएंगे। कस्टमर से जब अच्छे से बात नहीं कीजिएगा तो सेल भी अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से इनकम भी अच्छा नहीं होगा। तीसरी बात कि आप
अच्छे से घर से चलने से पहले, किसी भी काम में अगर चल रहे हैं तो घर पर से काम पर चलने से पहले जो है ना, अच्छे से रूटीन बना लीजिए कि हमको अगर फेरी कर रहे हैं तो रूटीन बना लीजिए कि हमको किस एरिया में घूमना है। घर पर से रूटीन बना के ही चलना है, तो इसकी वजह से आप रूटीन बनाए रहेंगे तो फेरी हो या नहीं हो उतना दूरी तय करेंगे जितना आप सोच के घर से चले हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप तीसरा नंबर में रूटीन बना लीजिए। और चौथी बात आया तो दोस्तों, चौथा बात है पॉजिटिव माहौल में रहने का कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप जो भी काम कर रहे हैं उसी टाइप के माहौल होना चाहिए। अगर फेरी कर रहे हैं तो आप ऐसे माहौल में रहिए जहाँ पे बहुत सारे लोग फेरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना, अगर उसको देखा देखी करके, देख देख के आप भी पॉजिटिव हो जाएंगे और काम पर जाने का मन करेगा और काम अच्छे से होगा। अपने मतलब आसपास में बातचीत करते रहेंगे, सब फेरी वाला ही रहेगा तो वहाँ पे अच्छे से फेरी के बारे में ही बात करेंगे, तो जिसकी वजह से एक दूसरे के नॉलेज के बारे में भी मालूम पड़ेगा और फेरी में भी मन लगेगा। यानी कि माहौल आपका उसी टाइप का होना चाहिए जिस तरह के आप काम कर रहे हैं। और दोस्तों पाँचवीं बात की बात करें तो पाँचवीं सबसे इन्फॉर्मेशन वाला बात बताएंगे, उससे पहले अगर आप चार जो बात बताए हैं, चार प्रकार के, अगर उस पर अगर अच्छे से ध्यान देते हैं और फोकस के साथ उस पर अमल करते हैं तो पाँचवीं बात आता है कि आपको जो है ना, जब अच्छा काम होने लगेगा तो बहुत तरह से भटकाने के लिए, बहुत तरह का आपका रिलेशन हो गया, पड़ोसी हो गया, भाई हो गया, कोई भी आपको भटकाने के लिए अनेक तरह की बातें आपके सामने रखेगा। जैसे कि भटकाने के लिए कोई काम रहेगा रोकने के लिए, आप ताकि आपका काम रुक जाए और आप आगे नहीं बढ़ पाए। यानी कि गांव में उसको बोलते हैं कि जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो टांग खींचने लगता है कि आप आगे मत बढ़ो, हमसे पीछे ही रहो, ऐसा सोच रहता है आस पास के पड़ोसी को, तो टांग खींचने की कोशिश करेगा। तो आप पूरे फोकस के साथ जो है ना, पूरे अपना काम पर फोकस, पूरा ध्यान 100% अपने काम पे दीजिए। कोई क्या कुछ बोल रहा है उसको बात को टालिए और आप अपने काम पर ध्यान दीजिए और काम में लगे रहिए, उसके भटकाव में मत आइए। वो कुछ भी तरह की बात कह रहा है आपसे, फिर भी कितना भी कह रहा है, लेकिन उसके बाद में ना आकर आप अपने काम में लगे रहिए और लगातार काम करते रहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कुछ हमारे विचार आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। क्या समझ में आया आप लोग कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। थोड़ा भी जानकारी मिला है और आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनको मदद मिल सके, तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको मदद भी मिल सके। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मुझे उम्मीद, पूरी तरह से उम्मीद है कि थोड़ा भी आपको मेरी बात से नॉलेज ज़रूर मिला होगा, कुछ जानकारी ज़रूर मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग में। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय।